Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra, and today in association with MMK Hub Academy, we are going to study the topic of anticholinergic drugs. So let's begin, guys. So in the last lectures, as you have remembered that our central nervous system has been divided into two types, somatic nervous system and autonomic nervous system. और लास्ट क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस है. तो आज हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो पैरासिंपैथेटिक डिवीजन, जो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है. सो गाइज, वी आर गोइंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन द कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था. सो क्विकली रिवाइज करते हैं. कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो आई के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आयरिस कराती हैं, यानी कि मियोसिस. हमें रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में क्या करना होता है कि करीब से अगर हमें नियर विजन देखना है, रेस्ट और डाइजेस्ट में हम जो है रिलैक्स होते हैं, तो हमारी जो स्फिंक्टर पुपलाई मसल्स होती हैं वो एक्टिवेटेड होती हैं, राइट गाइस. तो जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी स्फिंक्टर पुपलाई ड्रग्स हैं, मसल्स हैं, उनको इनहिबिट कर देंगे. और फिर हमारे बेसिकली ऐसा नहीं हो रहा है कि वो सिंपैथेटिक एक्शन करा रही है, लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो हमारे कोलिनर्जिक एक्शंस को जब स्टॉप कर देंगी, तो हमारी बॉडी में हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो ही सिस्टम है, या तो पैरासिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा या सिंपथेटिक एक्टिवेट होगा. और जब पैरासिंपथेटिक सिस्टम तो हम इनहिबिट कर देंगे तो हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सिस्टम रह जाएगा सिंपैथेटिक, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा. तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जब एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होगा तो ऑब्वियसली कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, स्फिंक्टर पुपलाई मसल्स हैं, वो इनहिबिट हो जाएंगी. तो नेचुरली जो हमारा प्यूपल है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, वो अपने आप डायलेट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम मिट्रियासिस कहते हैं. और नियर विजन के लिए जो सीलियरी मसल्स अकोमोडेशन कर रही थी, अब लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा, जिसको हम साइक्लोप्लीजिया कहते हैं. हार्ट के अंदर हमें याद है कि पैरासिंपथेटिक सिस्टम में ब्रैडीकार्डिया हो रहा था. ऑब्वियसली जब हार्ट के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर ऑब्वियसली टैकीकार्डिया होगा. यूरिनरी ब्लैडर में सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर हो रहा था, तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर हो जाएगा, विच मीन्स के जो पेशेंट है वो अब यूरिनेट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड है. इसी तरह से कोलिनर्जिक एक्शन में हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में स्वेट इंक्रीज हो रहा था, सलाइवा, लैक्रिमल, ब्रोंकियल, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि पेशेंट जो है वो एक रिलैक्स स्टेट में है. लेकिन जब हम उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो जितनी भी सिक्रीशंस है वो सारी डिक्रीज हो जाएंगी. देन जीआईटी, क्योंकि रेस्ट और डाइजेस्ट से हमने पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को याद किया है, विच इज अवर कोलिनर्जिक सिस्टम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरिस्टालसिस, जीआई मोटिलिटी, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर जब होता है तो डायरिया हो जाता है. लेकिन जब हम अपने पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो पेरिस्टालसिस, जीआई मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगी स्फिंक्टर्स की और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. इसी तरह से लंग्स में हमें याद होगा कि हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम था वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, तो जब हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो बेसिकली उस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को जब वो इनहिबिट करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी. सो ओवर हियर यू गाइस कैन सी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, एंटी मस्करेनिक एंड एंटी निकोटिनिक. और यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप है, कोलीन एस्ट्रेस रीजेनरेटर्स. इफ यू गाइस रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट क्लास कि हमारे पास एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और इसका काम ये होता है कि जब एसिटाइल कोलीन अपने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो अपना एक्शन कम्प्लीट करने के बाद उस एसिटाइल कोलीन को डीजेनरेट कर देता है. तो उसकी वजह से आपका जो पैरासिंपथेटिक सिस्टम होता है वो कुछ टाइम के लिए काम करता है और फिर डीएक्टिवेट हो जाता है. नाउ कोलीन एस्पिरेस रीजेनरेटर्स क्या कर रहे हैं,
कि आपके कोलीन एस्टेज एंजाइम्स को वो बार बार रिजेनरेट कर देंगे ताकि जितना भी एसिटाइल कोलीन है वो उन सबको खत्म कर दे। तो इस वजह से एसिटाइल कोलीन हमारे साइनेप्स में ज्यादा जब होगा नहीं तो ऑब्वियसली पैरासिम्पेटेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो ही नहीं पाएगी, और उसमें हमारे पास जो ड्रग है ऑक्सिन्स की क्लास के अंदर दैट इज प्रालीडॉक्सिन, और प्रालीडॉक्सिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर यूज होती है। ओके और अब हम रिवाइज करेंगे एंटी मस्करेनिक एंड एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम यानी कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो हमारे पास ऑब्वियसली दो टाइप की ड्रग्स होंगी, एक जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगी विच आर कॉल्ड एज एंटी मस्करेनिक, और दूसरी जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगी विच इज एंटी निकोटिनिक। सो लेट्स बिगिन। First, we're going to study about the antimuscarinic, जिसके अंदर हमारे पास है M1 selective. If you guys remember, हमारे पास पांच types के M receptors थे, M1, M2, M3, M4 and M5. तो जो सिर्फ M1 पे काम करेगा, it is M1 selective. और उसमें जो हमारे पास drug है, वो है pyrenzepine. तो ये peptic ulcer disease में basically use होती है. और जो M1 selective drugs हैं, वो ज्यादातर इन्हीं peptic ulcers में दी जाती है, pyrenzepine. ओके फिर हमारे पास जो दूसरी क्लास है विच इज M3 selective, और यहाँ पर slightly लिखा है क्योंकि थोड़ा बहुत M3 को जो है inhibit करती है। ये जो drugs होती हैं ये basically bladder specific हैं और ये हमारे urinary bladder पे काम करती हैं। तो इसमें हमारे पास जो drug है it is diarrhinacin, और diarrhinacin जो है ये आपके यूरिनरी क्या कहते हैं इनकॉन्टिनेंस के अंदर यूज होगी, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को जरूरत से ज्यादा यूरिन बन रहा है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो अब उसको इनहिबिट करने के लिए diarrhinacin। और फिर हमारे पास जो तीसरी आती है दैट इज नॉन सेलेक्टिव, जिसमें एट्रोपिन है। नॉन सेलेक्टिव से ये मुराद है कि ये M1 से लेके M5 तक तमाम रिसेप्टर्स पे काम करेगी। ओके एंड देन वी हैव एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। एंटी निकोटिनिक ड्रग्स में हमारे पास हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स, जिसके अंदर है हेक्सामेथोनियम, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में है ट्यूबोक्यूरबीन। सो गाइस अगर आपको याद हो तो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी मजीद दो तीन टाइप्स के थे, एक जो आपके सीएनएस पे काम कर रहा था जिसको आप NN रिसेप्टर्स कहते हैं, या एनजी रिसेप्टर्स जो गैंग्लियन पे काम करते हैं, जब हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो उन ड्रग्स को कहलाते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स, और उसमें हमारे पास हेक्सामेथोनियम है। और दूसरे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स मसल्स पे काम कर रहे थे उनको न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स कहते हैं, और उनके ब्लॉकर्स को अंदर हमारे पास शामिल है ट्यूबोक्यूरबीन। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे, एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।